देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मिलावट खोरी के खिलाफ आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर हुआ है। फूड इंस्पेक्टर किस तरह से रिश्वत लेकर मिलावटी चीजों को भी पास कर देते हैं, इसका खुलासा आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए किया था। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। साथ ही गाजियाबाद में हुए स्टिंग ऑपरेशन को लेकर फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने यूपी के मुख्य सचिव से जवाब तलब भी किया है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार मिलावटखोरी का यह गोरख धंधा कैसे चलता है। देश और राज्यों की सरकारें मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाने के दावे करती तो हैं, मगर देश की राजधानी दिल्ली के पास ही, गाजियाबाद के आसपास ही फूड इंस्पेक्टर अपनी जेब गर्म करते हैं और बदले में फूड प्रोडक्ट्स के ऐसे नमूनों को पास करने को तैयार हो जाते हैं जो लोगों की सेहत को खराब और बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। देखिए आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने इस हिला देने वाली सच्चाई का कैसे अपने खुफिया कैमरे के जरिए खुलासा किया। भरोसे के पैकेट में आपकी नमकीन बंद है, आपका चिप्स बंद है, चॉकलेट भी, दूध भी, आपकी रोटियां भी पैकेट बंद आटे से बनती हैं, और तेल तो पैकेट में आते हुए जमाना गुजर गया। आपको यकीन होता है कि पैकेट पर लगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी FSSAI का ठप्पा आपकी सेहत और विश्वास की गारंटी है। लेकिन हम आपको वैसे फूड इंस्पेक्टरों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपनी जेब गर्म करने के लिए आपकी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। इन जनाब से मिलिए, ये हैं रमेश चंद, हापुड़ से सटे पिलखुआ में फूड इंस्पेक्टर। कोई कारोबारी आपके लिए जहर वाला खाना लेकर ही क्यों ना आ जाए, ये उसे पास कर देते हैं। बस इनकी मुट्ठी गर्म होनी चाहिए। कैसे आपके रसोई घर तक जहर पहुंच रहा है ये इस जनाब की जुबानी ही हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि कैसे ये बड़े बड़े ब्रांड के उत्पादों को फेल कर देते हैं। दूध बिक रहा है अब आधा लीटर का पाउच, और हमारे पास उस पैकेट को हम ऐसे सील नहीं करेंगे, लैब जाने में 4-5 दिन लगा, दूध खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपन ये हमारे सैंपल वाले सीसी है, पैकेट फाड़ेंगे और दूध डालेंगे और उस पैकेट रैपर को सीसी के साथ बांधेंगे। ठीक है, यही जो डिटेल यहाँ पर है वो ये मतलब पेपर से लिखेंगे, इसको सील मोर देंगे, कुछ छोड़ देंगे ऐसा खोला जाए दोबारा, और मौके पर सील मोर कौन जानता है कितना सही बात घर ले खोल देंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इस जनाब से आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर एक बिजनेसमैन बनकर मिले। इंस्पेक्टर साहब को अपना परिचय देने के बाद हम सीधे मुद्दे पर आ गए। हमने उनसे कहा
कि हमारा जो प्रोडक्ट बाजार में आएगा उसमें लेड की मात्रा ज्यादा है और हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जांच के लिए बाजार से सैंपल ना लिए जाएं। मुट्ठी गर्म करने की बात हुई तो फूड इंस्पेक्टर साहब हंसी खुशी तैयार हो गए। बस एक बार एस्टेब्लिश हो जाए यहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम कोशिश करेंगे थोड़ा आमदनी होने दीजिए, उसके बाद फिर हम वो भी ठीक कर लेंगे। बस थोड़ी सी दिक्कत यही है। ठीक है, पहली मुलाकात में इंस्पेक्टर साहब हमसे खुलकर बात करने लगे। उन्होंने हमें इस बात की इजाजत दे दी कि आप अपना खराब प्रोडक्ट धड़ल्ले से इलाके में बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए साल में एक तय कीमत हमें देनी होगी। बताइए तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत है उनका स्टैंड कर दो। ठीक, 29 साल का हम आपको कुछ एडवांस कर देंगे, अभी 2-3 दिन में हम लेके आएंगे पाउच वगैरह सैंपल वगैरह, तो हम सैंपल दिखा देंगे आपको। शर्मा जी, हाँ शर्मा जी, देखा आपने, सिर्फ 20,000 में फूड इंस्पेक्टर साहब ने इलाके के सभी लोगों की सेहत का सौदा कर लिया, लेकिन अपने ईमान और आपकी जान से सौदा करने की ये पहली झलक थी। आगे और भी कई खुलासे होंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, भिलखुआ, हापुड़, आज तक। बस 20,000 दीजिए, एक साल के लिए फूड प्रोडक्ट्स के नाम पर जहर आप बेच सकते हैं, लेकिन ये फूड इंस्पेक्टर इससे भी बड़ा कारनामा कर डालते हैं। ये किसी बड़े ब्रांड के अच्छे सैंपल को भी फेल कर सकते हैं अगर लाखों रुपए इनकी जेब में डाल दिए जाएं। ये निशान भरोसे का है, लेकिन जब ठप्पा लगाने वाले फूड इंस्पेक्टर की आंखों पर रिश्वत की पट्टी बन जाती है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बदल जाती है। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने पिलखुआ के फूड इंस्पेक्टर रमेश चंद के सामने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि वो एक ब्रांडेड कंपनी में काम करता है और कंपनी चाहती है कि बाजार में उसकी कंपटीटर कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को फेल कर दिया जाए। हम खाने पीने की उन दोनों बड़ी कंपनियों का नाम उनकी साख और बड़ी पहचान के मद्देनजर नहीं ले रहे, लेकिन सुनिए कि जब बात हुई तो फूड इंस्पेक्टर ने क्या कहा। सारी कंपनी सीजन लगने वाला है त्योहार का, सब पगलाए पड़े हैं, हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, ये चलिए बिजनेसमैन है, जॉब करते हैं, है मार्केटिंग का, हमारे ऊपर हमारे जो मतलब एक बनाई गई है तीन भाई हैं लोगों को, हम जगह जगह जाते बात कर रहे हैं फूड इंस्पेक्टर से, हमारा मेन कम्युनिकेशन है भाई साहब उसकी वजह से डिस्टर्बेंस कम हो रही है, डाउन जा रही है उसकी, क्योंकि 2-3 प्रोडक्ट हैं ऐसे जो हमारी सेल को डाउन कर रहे हैं। हमारे यहाँ से ये था कि आप बात कीजिए जाके, जैसा भी हो तो जैसे आपकी डिमांड रहेगी वैसे इसी तरीके से सैंपल होते हैं। इंस्पेक्टर साहब तो प्रोडक्ट को फेल करने के लिए फौरन तैयार हो गए। उन्होंने हमें भी चौंका दिया क्योंकि जिस प्रोडक्ट को हम फेल करने का नाटक कर रहे थे वो बहुत बड़ा ब्रांड है। हमने भी बिना वक्त गवाए उनसे पूछा कि प्रोडक्ट को फेल कराने के लिए कितना खर्च आएगा, तो सुनिए उनका जवाब। मैं तो खुद ही 2-4 जगह उठा लूँगा। अरे तो बहुत बढ़िया है, मैं तो पिलाखवा भी है ना। हाँ, पिलाखवा तो मार्केट है, मार्केट तो पिलाखवा।
1 लाख इसमें फेल होने तक की गारंटी रहेगी? फेल करा दो। ठीक है, डन। 1 लाख कोई ज्यादा नहीं। सुना आपने इंस्पेक्टर साहब, 1 लाख रुपए में किसी भी बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट को फेल करवा देते हैं। ये जनाब इतना फुल प्रूफ काम करते हैं कि सैंपल अगर सही भी होगा तो भी लैब में फेल साबित होगा। यही नहीं, जांच रिपोर्ट को मीडिया में भी हाईलाइट करवा देते हैं, पेपर में भी हाईलाइट होगा। या फिर वो भी हमारे का, वो भी आप करवा दिए तो और अच्छा होगा। मतलब तभी आना, हाईलाइट होने के बाद ही तो लेकिन भाई साहब कहीं तभी तो फायदा होता है, कहीं हमारा नाम नहीं होना चाहिए। नहीं, लीक नहीं होता। सैंपल कहाँ जाते हैं? चेकअप में लखनऊ, वहाँ तक सेटिंग है अपनी ना। ये तो नहीं है कि उसका अलग से कुछ होगा फिर लखनऊ का? नहीं, यहीं से काम करते हैं। पास ही नहीं कर पाएंगे। लेड का चक्कर किसी की जेब भरता है, किसी की जान पर बनाती है। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, पिलखुआ, हापुड़, आज तक। अब हम आपको उन सभी फूड इंस्पेक्टर से रूबरू कराते हैं जो भ्रष्टाचार की जंजीर में बंधे हुए हैं, जिन्हें बस अपनी काली कमाई से मतलब है और इसके लिए वो आपकी सेहत को हर वक्त दांव पर लगाते रहते हैं। भ्रष्टाचार का जाल इस कदर उलझा और फैला है कि एक फूड इंस्पेक्टर दूसरे फूड इंस्पेक्टरों के साथ करप्शन की कड़ियों से जुड़े हुए हैं। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने फूड प्रोडक्ट के सैंपल टेस्ट का सच जानने के लिए जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसमें कई खुलासे हुए। बिलखुआ के फूड इंस्पेक्टर रमेश चंद ने बाहर भी हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च कराने की बात कही और वहां के फूड इंस्पेक्टर से सेटिंग कराने खुद ही हमारे साथ बुलंदशहर पहुंचे। वहां हमें बुलंदशहर के फूड इंस्पेक्टर शिवदास सिंह मिले, लेकिन नाम के उलट वो रिश्वत के दास निकले। आना जाना तो लगा रहेगा, जब काम चालू होगा तो हर जगह, तो वो तो 6 महीने वाली कोई दिक्कत नहीं है, तो 6 महीने पे भी आएंगे तो अगर कहेंगे तो 6 महीने पे दे देंगे। एक बार में कहेंगे तो हम एक बार में भी दे सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब काम करना है तो आप लोगों के आशीर्वाद से ही होगा। 10-10 कह रहे हैं, 2 पॉइंट का। अच्छा, 20,000 रुपए में यहाँ भी लोगों की सेहत का सौदा तय हो गया। थोड़ी देर बाद बुलंदशहर के फूड इंस्पेक्टर शिवदास सिंह हमारे पास आए और उन्होंने इलाके के और भी फूड इंस्पेक्टर के साथ सेटिंग कराने का वायदा किया। तो आप जान लीजिए कि आपकी जुबान पर चढ़े पैकेज फूड का स्वाद आपकी जान से कैसे खिलवाड़ कर सकता है। ये सवाल हमने देश के खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से किया तो जवाब आया, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। नहीं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। हालांकि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, FSSAI हेल्थ मिनिस्ट्री से संबंधित है, स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन लोगों के जीवन के साथ में किसी को खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर चंद पैसों की खातिर पैकेट बंद खानों की क्वालिटी को कोई अनदेखा कर रहा है तो लोगों के सामने यक्ष प्रश्न है कि आखिर क्या खाएं और क्या नहीं। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, आज तक। चलिए, सरकार ने दावा तो किया कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन इंतजार उस दिन का है जब आपके खाने पीने की चीज में गड़बड़ियों के लिए जीरो टॉलरेंस होगी।